गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर ऑफ क्लास 9th वी हैव डन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर, हमने एक ऑर्डर भी किया था कि प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड में मैक्सिमम मिनिमम स्पेस होता है, लिक्विड में मॉडरेट स्पेस होता है पार्टिकल्स में मैटर के, गैसेस में मिनिमम स्पेस होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है, सॉरी। तो हमने ये सभी प्रॉपर्टीज की थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। नाउ वी आर मूविंग टू मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग मीन्स पिघलना, मेल्ट्स मीन पिघलना, हिंदी में कहें तो मेल्ट्स मीन पिघलना। और मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, किसी भी सॉलिड का ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें उसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पता चलती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पता चलती है। कैसे? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने आइस ली, तो आइस को आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो लिक्विड बनना शुरू हो गया। किस टेम्परेचर पे? 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। केल्विन में बात करें तो 273, और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब आइस थी सॉलिड और लिक्विड में चेंज होना वो शुरू हो गई, तो जिस टेम्परेचर पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता लगी कि हाँ इस टेम्परेचर पे इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स टूटने लग जाती है, या ये कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इतनी थी कि ये इतना टेम्परेचर झेल पाई, है ना, तो उस टेम्परेचर को हम उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। एक इंडिकेशन है जहां पर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होने लगती है और वो अपनी स्टेट चेंज करने लगता है, सॉलिड से लिक्विड में आने लगता है। क्लियर, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, क्या बनने के लिए? लिक्विड बनने के लिए, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर भी, एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए एयर का, एयर का प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, वो ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा हीट डिमांड करेगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है किसकी? ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि उसके पार्टिकल्स किस स्ट्रेंथ से आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, केल्विन में बात करें तब 273, एंड 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे बात करें तो 0 डिग्री। ये क्या होता है 273 एंड 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाएंगे बेटा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।